أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की क्लास जो हमने पिछली क्लास से नई एक शुरू की थी आज उस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग के हवाले से और उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर किन किन स्टेजेस या मनाविल से गुजर कर हम लोगों तक पहुंचा है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास क्लास वन के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था, मैंने बल्कि आप लोगों को बताया था कि इस सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था, बल्कि उसकी कोर्स आउटलाइन भी दी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम कंप्यूटर साइंस जो है क्यों पढ़ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आई हैव ऑल्सो डिस्क्राइब द कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन, मैंने आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन भी बताई थी। इसके बाद हम लोगों ने दो किस्म की लर्निंग टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने डेप्थ फर्स्ट लर्निंग को देखा था और ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग को देखा था, और मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम लोग ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग से पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बात की सर्च इंजन के हवाले से, जिसमें हमने गूगल को देखा जो कि बहुत बड़ा सर्च इंजन है, और उसका यूजेज मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स आप जो है इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, और आखिर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है या कीवर्ड्स हैं जो आप गूगल पे कभी भी सर्च नहीं करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग की, हम ये देखेंगे कि हमारा सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो कब बना, और फिर उसकी एवोल्यूशन की बात करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर जो है किन मनाजिल से होता हुआ आज हमारे तक पहुंचा है। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे मैकेनिकल कंप्यूटर्स की और उसको साथ हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स को। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास की इब्तदा करते हैं, और आज की क्लास की इब्तदा हम करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। कंप्यूटर आर गो थ्रू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेजेस, कंप्यूटर जो है इन सारी स्टेजेस से गुजरे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर थे, मतलब ये कि वो बिजली से नहीं चलते थे, बल्कि उनको चलाने के लिए एक खास किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी। कुछ कंप्यूटर्स को चलाने के लिए कोई चीज़ घुमानी पड़ती थी, कुछ को चलाने के लिए कोई चीज़ पंच करनी पड़ती थी, तो इस तरह के कंप्यूटर थे। तो हमारे पास सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो अबेकस का कंप्यूटर था, जो बिट्स के ऊपर रिप्रेजेंट था। अब ये अबेकस जो है वो किस तरह वर्क करता था, दोस्तों आपको राइट साइड में अबेकस की एक तस्वीर नजर आ रही है। इसमें आपको एक फ्रेम नजर आ रहा है बाहर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बार भी कह रहे हैं, इसके अंदर भी दी हुई है, इसके अंदर कुछ रूट्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रेम्स हैं हमारे पास, कुछ लोअर डेस्क हैं, कुछ अपर डेस्क के ऊपर आपको बिट्स नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे जो आपको पहली लाइन बिट्स की नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब इसमें हर जो आपको डॉट नजर आ रहा है दैट रिप्रेजेंट द बिट, कि ये आपकी बिट को रिप्रेजेंट करता है, एक बिट को। फॉर एग्जांपल ये एक जो फर्स्ट वाला डॉट आप लोगों को नजर आ रहा है ये वन है, फिर आपके पास टू है, फिर थ्री है और फिर फोर है। इफ यू वांट टू प्रिंट द फाइव नंबर डिजिट, अगर आप पांच प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप एक बिट जो है वो ऊपर वाले अपर बार के अंदर या अपर डेफ के अंदर लिख देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने पांच लिख दिया है। इसी तरह अगर आपने छह लिखना है तो उसमें आपको ऊपर वाली बार के अंदर एक बिट पांच को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखनी पड़ेगी, और एक जो है इसमें आपको ऊपर करनी पड़ेगी ताकि आपका छह बन सके। इसी तरह अगर आपने ग्यारह लिखना है तो यहाँ पे देखें जो पहली लाइन है वो आपकी वंस को रिप्रेजेंट करती है, ये जो दूसरी लाइन है आपकी टेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने ग्यारह लिखना है तो ऊपर एक बार टेन के लिए रखेंगे और नीचे एक बार जो है
आप इसको 11 बनाएंगे। इसी तरह अगली जो आपको बार नजर आ रही है वो 100 को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आपने 102 लिखना है तो ऊपर एक अगर आपने रख दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका 100 हो गया, और नीचे एक रखेंगे तो आपका 101 बन गया। इसके बाद अगली जो है वो हमारे पास 1000 की है, तो ये आपका 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों ये सबसे पहला एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है पास्कल फ्रॉम फ्रांस 1623 से 1662 के दरमियान, और उसके बाद लेस्बियन लिनाबज फ्रॉम जर्मनी 1646 से 1716 के दरमियान जो कंप्यूटर इन लोगों ने बनाया वो भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, और उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, जो आउटपुट हुआ करती थी, अब अबेकस की जो आउटपुट है वो इस बिट्स की शक्ल के अंदर है। अब ये जो पास्कल का कंप्यूटर था जो उसने पहला एक कैलकुलेटर बनाया वो आपका गेयर की सूरत में था। दोस्तों इसकी भी तस्वीर आपको नजर आ रही है, और इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ये डिफरेंट गेयर्स आपके बने हुए हैं, और ये आपका फर्स्ट जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो पास्कल ने दरियाफ्त किया, और इन गेयर्स की मदद से वो डिफरेंट कंप्यूटेशन करता था। इससे ही एडिशन और इससे ही सब्ट्रैक्शन और इससे ही सारे काम सर अंजाम दिए जाते थे। दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो पीरियड आया वो चार्ल्स बैबेज का आ गया। चार्ल्स बैबेज जो है वो इंग्लैंड से ताल्लुक था, ये भी एक मैथमेटिशियन थे बल्कि प्रोफेसर थे। 1792 और 1871 का पीरियड उनका है, और इसमें जो उन्होंने कंप्यूटर बनाया इसको हम जो है कह सकते हैं कि इसकी जो आउटपुट थी वो फर्स्ट टाइम उन्होंने पेपर के ऊपर प्रिंट की। पहले जो आपका बैकअप है या जो पास्कल का आपका गेयर कंप्यूटर है, इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर ही प्रिंट होती थी, लेकिन जो चार्ल्स बैबेज ने आपका कंप्यूटर दरियाफ्त किया उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। और ये जो डिवाइस आपको एक नजर आ रही है जिसको हम पंच कार्ड की सूरत में भी कह सकते हैं, इसके अंदर देखें एक पेपर लगा हुआ है और ऊपर से चीजों को पंच किया जाता है कि अगर आपने 5 प्रिंट करना है तो 5 टाइम इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो पेपर के ऊपर जो है एक आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। तो ये चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर था। ये इसके बाद हमारे पास जो पीरियड शुरू होता है वो कुछ इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का दौर शुरू होता है। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले स्टीव बिट्स 1940 बेल लेबोरेटरीज के अंदर एक कंप्यूटर बनाया गया। उसके बाद जो है 1944 के अंदर हमारे पास हार्डवर्क मार्क 1 आ गया। इसके बाद दोस्तों अगर हम कंप्यूटिंग को आगे देखें तो हमारे पास जो पहला एक कंप्यूटर जनरल पर्पस बना वो एनिक कंप्यूटर था 1956 के अंदर, और इसकी आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही है। हम लोग जो है इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं। इसमें जो एनिक कंप्यूटर का फर्स्ट जो फीचर है वो है अकोपाइड 1800 स्क्वेयर फीट, मतलब ये कि इसको रखने के लिए आपको 1800 स्क्वेयर फीट जगह दरकार थी। ऑलमोस्ट आपका एक बड़ा कमरा जो है वो यूज होता था इस कंप्यूटर को रखने के लिए। इसके अंदर आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी 20,000। अब देखें ये आपको डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स नजर आ रही हैं जिनको निकाला जाता था और फिर इसके अंदर पंच किया जाता था। ये 20,000 इसके अंदर लगी हुई थी, और इसके अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास रिलेज लगी हुई थी 1500 के करीब, और इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए थे 10,000 के करीब। इसके अंदर रजिस्टर्स थे 70,000 के करीब, और ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था, और ये कंज्यूम करता था आपकी इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट 200 किलोवाट जो है, अगर इसको चलाया जाता था तो वो 200 किलोवाट जो है वो तकरीबन आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। इसके बाद जो इसका वजन था वो तकरीबन 30 टन था, 30 टन था, और इसकी जो कॉस्ट थी वो डॉलर के अंदर थी तकरीबन आपकी 48,70,000 जो है कॉस्ट थी डॉलर के अंदर। ये तकरीबन आपके 62.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं, ये उसकी कॉस्ट थी। तो ये हमारा एक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर एनिक कंप्यूटर 1956 के अंदर जो दरियाफ्त हुआ वो है।
दोस्तों इसके बाद भी कंप्यूटर के जो मुनाफिल हैं वो रुके नहीं, बल्कि हर ईयर के अंदर ऑलमोस्ट आपकी जो है इसके अंदर एवोल्यूशन आती रही हैं। और इसमें फिर हमारा जो कंप्यूटर है, पहला जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनको हमने आज घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो 1976 के अंदर स्टीव जॉब्स एंड स्टीफन ने जो है वो बनाया। इसके बाद हमारे पास 1981 के अंदर आईबीएम वालों ने आईबीएम पीसी इंट्रोड्यूस करवाया, जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हुआ। और इसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट हमारा जो है जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस्ट जिसे हम कहते थे, ये इस पीसी के ऊपर रन किया गया। और इवन के आज भी हमारे, अगर हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाएं, तो वहां पे शायद कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे ऐसा ही तकरीबन ऑलमोस्ट यूज किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ कमांड्स लिखी जाती हैं और यूज किया जाता है। इवन के अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आने वाला है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, उसके अंदर आप उस जैसा जो है कुछ सीखेंगे, और उसमें एक सॉफ्टवेयर नेफिम और डॉस बॉक्स यूज किया जाता है, और वो पूरी एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ कमांड टाइप की जाती हैं, चाहे आपने फाइल बनानी हो, चाहे उसके अंदर कोई एडिशन करनी हो, चाहे उसके अंदर कोई डिलीशन करनी हो। तो इसी तरह का आईबीएम पीसी था, जिसके ऊपर वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आपके पास 2000 के अंदर वेब पेजेस मुतारिफ करवाए गए, और उसके बाद जो है वो गूगल भी बन गया उन वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए। इसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए, आपके पास टैबलेट आ गए, आपके पास लैपटॉप आ गए, और कंप्यूटर्स का जो साइज है वो छोटे से छोटा होता चला गया। और ये बिल्कुल आज हमारे पास जो है एक स्मार्टफोन की शक्ल में या मोबाइल फोन की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर ही है। इसके बाद 2004 के अंदर फेसबुक मुतारिफ हुई, और मोजिला फायरफॉक्स का पहला 1.0 जो है वो वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करने लगे। इसके बाद 2005 के अंदर जो है वो यूट्यूब को मुतारिफ करवाया गया, और इस वक्त जो है ऑलमोस्ट सोशल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यूट्यूब जो है वो बिलियन ऑफ, बल्कि इससे भी ज्यादा शायद उसके यूजर हैं। इसके बाद 2015 के अंदर आपकी विंडोज 10 को मुतारिफ करवाया गया, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज 10। इससे पहले भी जो है डिफरेंट ईयर्स के अंदर आपकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आए। उस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपकी विंडोज मी आ गई, उसके बाद विंडोज 2000 आ गई, उसके बाद आपकी विंडो एक्सपी आ गई, उसके बाद एक्सपी के बाद आपकी विंडो 7 आ गई, विंडो 8 आ गई। इसी तरह फिर ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये कंप्यूटर्स के अंदर अपडेशन ही हैं, और ये कंप्यूटर जो है इन सारे मराहल से गुजरता हुआ हम लोगों तक पहुंचा है। तो दोस्तों ये थी कुछ हिस्ट्री कंप्यूटिंग के हवाले से, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अबैकस से हमने शुरू किया और उसको ला के ख़त्म किया 2015 के अंदर विंडोज 10 के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारी कंप्यूटिंग की डिफरेंट कुछ हिस्ट्री है। दोस्तों आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आज की क्लास के अंदर जो है हमने क्या पढ़ा है, हम इसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के हवाले से। इसमें हमने फर्स्ट कंप्यूटर अबैकस से शुरू किया, और डिफरेंट जो इसकी एवोल्यूशन स्टेजेस थी उनसे गुजार कर मैंने आपको 2015 के अंदर विंडोज 10 पे लाके खड़ा किया। हमने जो है शुरू में कुछ मैकेनिकल कंप्यूटर को भी देखा जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलते थे, और फिर आखिर में मैंने आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर भी दिखाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, और यकीनन आपका ये जो नया कोर्स है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, और मेरी इस सीरीज़ को देखते हुए इससे भी फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है, और कमेंट्स की सूरत में फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो या लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की क्लास में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।